जापानीज़ कंसेप्ट और जापानीज़ लाइफस्टाइल से रिलेटेड एक बहुत ही इंस्पायरिंग बुक जिसका नाम एक ही गाय है। इस बुक से मैंने 3 ऐसे सीक्रेट्स, ऐसे लाइफ लेसन सीखे हैं जिससे कोई भी इंसान लंबी ज़िंदगी जी सकता है, लंबे वक्त तक जी सकता है, जो आपका जानना बहुत ज़रूरी है। वेलकम बैक दोस्तों, 100 डेज कम्युनिकेशन चैलेंज के 28वें दिन में आपका स्वागत है। इकिगाई बुक के जो ऑथर हैं हेक्टर गार्सिया और फ्रांसिस मोरालिस, वो लोग इस बुक को लिखने के लिए जापान गए थे और स्पेशली जापान के एक इलाके में जिसका नाम ओकिनावा है। ओकिनावा की खास बात यह है, वहाँ के लोगों की जो एवरेज उम्र है, एवरेज एज है, वो 120 साल है। ये काफ़ी हैरानी वाली बात है। जहाँ लोग आजकल की दुनिया में 40 साल, 60 साल और मैक्सिमम 70 साल तक जीते हैं, वहाँ जापान के लोग और ख़ासकर ओकिनावा के लोग लगभग 120 साल तक जीते हैं। वहाँ की एवरेज उम्र 120 साल है। तो ऐसा क्या जानते हैं वो लोग? कुछ तो जानते होंगे, कुछ तो ऐसा सीक्रेट होता होगा कि वो लोग आखिर 120 साल जिंदा रहते हैं। वहाँ के कम से कम जीने वाले की लोगों की उम्र 80 साल तक होती है, सबसे कम जो जीते हैं उनकी उम्र भी 80 साल होती है, बताइए। तो ऑथर ने जब उन लोगों से इंटरव्यू लिया, उन लोगों से पूछा, तो इन लोगों को 3 ऐसे राज पता चले। वैसे तो बहुत सारे राज पता चले, लेकिन मैं आज 3 शेयर करूँगा। तो क्या क्या है वो 3 राज? नंबर 1, मूवमेंट। मतलब इंसानों की बॉडी चलती फिरती रहनी चाहिए, मूवमेंट होते रहना चाहिए। हम लोगों के जो पूर्वज थे आज से कई सालों पहले, वो लोग चलते फिरते रहते थे, शिकार करके खाते थे, जंगलों में रहते थे, जंगलों में घर बनाकर रहते थे। तो वो लोग मूवमेंट ज़्यादा करते थे, बहुत ज़्यादा चलते फिरते रहते थे। और इंसानों की बॉडी का जो मैकेनिज़म है वो ऐसे बना है कि वो चल फिर सके। बट आजकल की लाइफस्टाइल, आजकल का वर्क कल्चर ऐसा हो गया है कि इंसान चलता कम है, इंसान की बॉडी से मूवमेंट कम हो गया है। अब जितने ज़्यादा मूवमेंट करोगे उतना ही ज़्यादा जीने के चांसेस आपके बढ़ जाएंगे। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट बोल रहे हैं। साइंस में जब रिसर्च किया तब पता चला कि मूवमेंट इंसान को लंबा जीने में मदद करते हैं। नंबर 2, पर्पस। आपकी लाइफ में एक पर्पस होना चाहिए, एक मिशन होना चाहिए, एक गोल होना चाहिए। बिना गोल का इंसान ऐसा है जैसे कि बिना डायरेक्शन के कोई जहाज़। अगर एक जहाज़ को एक डायरेक्शन नहीं दिया जाए, एक मंजिल ना दिया जाए, तो वो भटक जाएगी। इसी तरह इंसान है, आजकल के लोग भटक से गए हैं, क्योंकि मैक्सिमम लोग भटक जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी लाइफ में कोई मंजिल नहीं है, कोई लक्ष्य नहीं है। अगर आपकी लाइफ में गोल होंगे, मकसद होगी, कोई मिशन होगा, तो आप एक डायरेक्शन में चलोगे और आप भटकोगे नहीं। भटकोगे तो भी सीधे रास्ते पर आ जाओगे, क्योंकि आपको सीधे रास्ते पर लाने के लिए आपका मंजिल है, आपका गोल है। वो एक कहावत भी है कि इंसान को 3 चीज़ें चाहिए जिंदा रहने के लिए, समथिंग टू डू, समथिंग टू लव एंड समथिंग टू होप फॉर। मतलब कोई चीज़ें करने के लिए होनी चाहिए, कोई चीज़ें प्यार करने के लिए होनी चाहिए, और तीसरा सबसे बड़ा है होप, यानी आशा, उम्मीद। उम्मीद इंसान की ज़िंदगी में बहुत बड़ा फैक्टर मायने रखता है इंसान को ज़िंदा रखने के लिए। फ़र्ज़ कीजिए आप किसी डेंजर सिचुएशन में फंस गए हैं, तो आप क्या करेंगे? अपने आप को सरेंडर कर देंगे? अब तो मैं मरने वाला हूँ तो अपने आप को सरेंडर कर देता हूँ, ऐसा तो बिल्कुल नहीं करेंगे। आप ट्राई करेंगे वहाँ से बाहर निकलने का, उस डेंजर सिचुएशन से बाहर निकलने का। क्यों? क्योंकि आपको जीने का होप है, आपको उम्मीद है कि आप बच जाएंगे यहाँ से निकलेंगे। तो उम्मीद आपसे बहुत कुछ करवाती है। और 3रा सीक्रेट, अपने पेट को कभी भी फुल मत कीजिए। अगर खाना भी हो आपको तो 80% तक फुल कर सकते हैं, 80% से ज़्यादा फुल मत कीजिए। जापानीज के लोग जो अक्सर ओकिनावा के जो लोग हैं वो कहते हैं कि हम लोग कभी आज तक पेट भर नहीं खाना खाया। हमारे बड़े बूढ़े भी कहते थे कि पेट को 2/3 फुल करो और 1/3 खाली रखो। बट ये हम लोगों को फनी लगता था कि ऐसा भी कहीं होता है क्या। बट ये लंबी ज़िंदगी जीने में बहुत मदद करता है, बिकॉज़ जब आप पेट को खाली रखते हो, थोड़ा खाली छोड़ते हो, तो इंसान के पेट में जो केमिकल्स होते हैं, जो इंसान के खाने को पचाने के जो ज़िम्मेदार होते हैं, वो केमिकल्स मिलते हैं और पूरे पेट को हिलते हैं ताकि अच्छे से मिल जाए, वो केमिकल्स खाने में अच्छे से मिल जाए ताकि खाना अच्छे से पच सके। बट हम लोग फुल कर लेते हैं और वो केमिकल्स नहीं पहुंच पाते हैं खाने में, तो हमारा खाना अच्छे से नहीं पच पाता और इसी से रिलेटेड हेल्थ से प्रॉब्लम होती रहती है। तो दोस्तों ये रहे 3 सीक्रेट्स जो मैंने सीखे इकिगाई बुक से। कैसे लगे आपको कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि वो लोग भी सीखें। चैनल को ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के लिए और भी सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ देखने को मिले। और आज के लिए इतना ही। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए और अपना प्यार देने के लिए थैंक यू सो मच।